कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी शख्सियत, हम सबके अग्रज आदरणीय अवधेश कुमार काशी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता उनको भी प्रणाम करता हूँ और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई बच्चूलाल जी को भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित ममता सिंह सभी पिता के बुजुर्गो, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे हम सफर साथियों, पत्रकार बंधुओं, मीडिया कर्मियों, मैं सभी का धन्यवाद साधुवाद देता हूँ, प्रेस क्लब का भी धन्यवाद देता हूँ। साथियों, बातें बहुत हो चुकी हैं और चूंकि कल का मुझे न्योता मिल ही गया है और कल मुझे आना ही है, तो कल तो मैं आपको घंटे दो घंटे भी बोल दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शाम को मेरी 6 बजे मीटिंग निकलने लगी है, 3-4 घंटे का रास्ता है, मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करके आपके इंतजार भी करना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर 400 बरस, 1-2 साल नहीं, 2-4-5 वर्ष ही नहीं, 400 बरस यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत रही, 400 बरस, और 200 वर्ष अंग्रेजों की हुकूमत रही। आप ताज्जुब करेंगे, 400, 200, 600 बरस एक ऐसी हुकूमत रही कि सुनने का मौका नहीं मिलता। अगर आज संविधान है और संविधान की रक्षा सुरक्षा की जो बात आज हो रही है, तो उसके नीचे अगर जाओगे जमीन के अंदर, तो वीराना जगतारी बाई उधम जैसी, उधम देवी पासी जैसे संत गुरु महापुरुषों और वीर वीरांगनाओं का इतिहास जो निकल के आता है। इसीलिए कहा गया है कि जिस कौम को नष्ट करना हो उसका इतिहास नष्ट कर दो और जिस कौम को जागरूक करना हो उसका इतिहास उसके सामने रख दो, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति सोच बनती है, सोच से शक्ति बनती है और शक्ति से ताकत बनती है और ताकत से शासन बनते हैं और शासक कौम के लोग कभी गुलाम नहीं होते। हम शासक कौम के लोग हैं, हमें गुलाम है। आज की सरकार का इतिहास आप उठा के देखो, ये वो सरकार है, उन लोगों की सरकार है जो बाहर से आए हुए लोगों ने, तो गुरु महापुरुषों बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से आज देश का गौरवशाली संविधान पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में इसको सलाम किया जाता है कि भारत जैसा संविधान देश का नहीं। तो उस गौरवशाली संविधान को मिटने का काम ये आदाताई सरकार कर रही है। इस बात से साबित होता है कि दलित धर्म माननीय अल्पसंख्यक के लोग अगर हम एकजुट होकर एक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए दोस्तों, हम सेना की लड़ाई सेना से होती है, सेना की लड़ाई सेनापति नहीं लड़ सकता। हम सारी सेना सपा भाजपा और तमाम कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के बाकी कितने दल हैं इस भारत के अंदर, हम सबको एकजुट होकर इस आदताई सरकार को हटाना होगा। आने वाले समय में अगर इस काम को नहीं किया आपने, तो आने वाले समय में जो आपने काम नहीं किया तो पक्का समझ लेना 200 साल की हुकूमत गोरे लोगों की थी, अब काले लोगों की 200 साल की उम्र में आपकी क्या हालत होगी आप कल्पना करें, क्योंकि उन्होंने काले कानून चार बड़ा बनाया, बड़ा बनाने वाले व्यवस्था बनाए, हमें धन संग्रह करना कानून अपराध की श्रेणी में रखा गया, शिक्षा ग्रहण करना कानून अपराध की श्रेणी में रखा गया, हमें मजदूरी के बदले पैसा मिलना भी कानून अपराध की श्रेणी में रखा गया, तो आपको क्या बनाया गया। बस शिक्षा के अभाव में हमारी मति नष्ट हुई, मति के अभाव में गति नष्ट हुई। भाई शिक्षित व्यक्ति की अगर नहीं होगा तो उसकी मति नष्ट हो जाएगी और मति नष्ट हो जाएगी तो बुद्धि नष्ट, बुद्धि नष्ट तो काम नष्ट, अकेला अंधकार उसके लिए रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए संतों गुरुओं ने, धनकारी भाई ने, उधम मांझी जी ने, इन तमाम वीर वीरांगनाओं ने हम लोग को निकालने के लिए 200 वर्ष की हुकूमत निकाली और फिर काले कानून बनाने वाले को धक्का मार के बाहर निकालने का काम किया। आज हम इस देश के अंदर अमन चैन से कायम हो रहे थे, हम लोग ऊर्जावान हो रहे थे, सपा बसपा की सरकार जो 20 साल चली उसमें दलित गायकवाड़ का जो सरकार चली उसमें हम लोग ऊर्जावान हो रहे थे, चाहे थोड़े लोग हो रहे थे लेकिन हो रहे थे। भाई 200 हजारों साल के शोषण सहने के बाद हम लोग को अगर थोड़ी बहुत ऊर्जा मिल रही थी, आज उस ऊर्जा का भी केंद्र बंद कर दिया। कितना बड़ा अन्याय अत्याचार जो चला, कोरोना काल अब कहाँ चला गया, तो टाइम से आता है टाइम में चला जाता है, ऐसी बीमारी तो दुनिया में हमने पहली बार देखी है। मैं आपको इतना जरूर बता देता हूँ, इस देश में धन धरती के साथ साथ जितना पानी इस देश के अंदर है किसी देश में पानी नहीं, जितना स्वच्छ पानी इस देश में किसी देश में नहीं, और इस देश के पानी को भी 20 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर और बड़े बड़े होटलों में 100 रुपये लीटर
सौ रुपए की हर बेचने का काम, आपकी संपत्ति आप ही को बेचने का काम चल रहा है। और विदेश मजबूत हो रहे हैं, नसीर मजबूत हो रहे हैं। अभी पानी फिक रहा था, अब हवा फिकना चालू होगी। इससे बड़ा जल्लाद का कानून कोई दूसरा नहीं हो सकता। आज इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आने वाले सरकारों में, आने वाले समय में हर घर में अगर गैस सिलेंडर रसोई का है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी आपको रखना होगा। और साल भर में तो वो 5,000 का पड़े, कोई 4,000 का पड़े, और उसके बाद रिफ्यूज करने का उसका टाइम होगा। अम्बानी अडानी जैसे लोगों की फैक्ट्री होगी और उनके यहाँ से सिलेंडर आपके यहाँ आएंगे, आपको राशन कार्ड की तरह बिल्कुल कंपल्सरी हो जाएगा। व्यक्ति को कंपल्सरी हो जाएगा कि आपके घर में सुरक्षा की दृष्टि से सिलेंडर होना चाहिए। बताइए साहब, हवा आपके घर में होगी तब आप सुरक्षित हैं और नहीं होगी तो नहीं। सोच रहे आप कौन कौन से कारण आपको बस से बदतर हालत में, आपकी कीमत 2 रुपए नहीं होना चाहिए। 1 रुपए का साबुन, 1 रुपए का तेल, 1 रुपए का शैम्पू, और एटीएम से पैसा निकालो नंगे नवाब के लिए झंडा कूम हुआ। घर में कोई संपत्ति नहीं होगी, सोने का लोन, घर का लोन, टीवी लोन, फ्रिज लोन, साई लोन, ब्याह लोन, हर चीज का लोन। आज पूरा देश और पूरा समाज गिरवी रख चुका है बैंकों के अंदर, सब जगह के अंदर। ऐसे काले कानून बनाने वाली सरकार को हमें रातों की नींद दिन का चैन हराम नहीं हो जाए तो अभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो एक ही बात कहता हूँ, धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे दुनिया भर के भगवान के नाम पे आप दुनिया में चले जाना, लेकिन वोट के नाम पे हम दिल दर्पण के नाम पे आ जाना, आपकी सरकार होगी, आपका सम्मान होगा। इतनी बात कहते हुए मैं आशा विश्वास के साथ कि बनाना क्या था, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, और हमसे आपसे वीरांगना थलकारी भाई जिन्होंने देश को आजादी दिला बैठे, देश को आजादी दिला बैठे।